बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कली कली, जो सिल्वर पेपर में स्टीम करके बनाते ना उस तरह। यहाँ पे मैंने खाई है, किसी के घर में खाई थी, तो मैंने कहा चले उसी तरह मैं बना के आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। हाँ मुझे पता है ना, है ना। और इधर तैमूर नहा रहा है। गर्मी लग रही है तैमूर? और इधर मैंने चिकन को अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह धो लिया है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है ना, इस वजह से। पापा मुझे मून दो। पानी आ रहे हैं। और इधर मैंने दो टमाटर लिए, दो प्याज और चार सब्ज मिर्चें। इसको अच्छी तरह धो के तो इसको काट लूँगी। ये मैंने लहसुन लिया है, इसको मैं छील लूंगी। इसको कूटना नहीं है, इसको इसी तरह ना। सिल्वर का पेपर लिया हुआ है, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर लिया। क्योंकि ये बच्चों ने खराब कर दिए ना, इस वजह। थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर आप इस तरह की हड्डी है ना, तो उसको टक लाजमी लगा लेना। आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, गोल गोल करके स्लाइस बना के, तो लेकिन मैं नहीं वो डाल रही। हम ये वाला मटेरियल इसमें शामिल करेंगे, प्याज और लहसुन और सब्ज मिर्ची और टमाटर। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कभी इस तरह बना के खाया है। इसमें सब्ज मिर्चें शामिल करूंगी, वो भी टक लगा के।
अगर आपके पास वो गोल छोटी मिर्च है ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे नहीं मिली तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। ठीक है, प्याज अभी इसमें मैं शामिल करूँगी, आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने दो लिए प्याज, और ये लहसुन है इसको कूट के नहीं डालना, इसी तरह रखना है इसके अंदर। उधर मैंने तवे को रख दिया है तेज आंच पे ताकि ये गर्म हो जाए। इसमें अभी मैंने दो टमाटर इस तरह काट के इसके ऊपर रख दूंगी जी। अच्छा, ये नमक शामिल करेंगे, इसमें मैं पीसी काली मिर्च शामिल करूंगी। अभी इसको मैं बंद कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरह हमने इसके पैक कर दिया है। अभी मैं इसको रखूंगी तवे के ऊपर। ये देखिए मैंने इसको ना कवर करके रख लिया तवे के ऊपर। इसको 45 मिनट के लिए इस तरह पकाना है और हर 2 मिनट के लिए इसकी साइड चेंज करनी है और बिल्कुल स्लो मैंने आंच पे रखा है। ये देखिए बिल्कुल स्लो। काफी रात हो चुकी है, अगर हवन होता तो उसमें जल्दी बन जाता। कैसे बात है? ये देखो भी खा सकते हो, लेकिन मैंने बनाई इधर रोटी। और ये मैंने इधर बनाया दही कढ़ाई का। अच्छा गल गया।